हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लाए हैं एक और नई ड्रैग रेस की वीडियो अपनी वर्ना टर्बो की फोक्सवैगन वेंटो के साथ। तो गाइस, जो हमारी हुंडई वर्ना है, ये हमारा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती है विद अस 4 सिलेंडर एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। पावर स्पेक से गाड़ी जो प्रोड्यूस करती है कंपनी से, वो है 158 bhp एंड 253 nm ऑफ टॉर्क। फोक्सवैगन वेंटो हमारे पास जो अवेलेबल है वो है विवान भाई की स्टेज वन, ठीक है। कंपनी से जब ये स्टॉक आती थी तो प्रोड्यूस करती थी 110 bhp एंड 175 nm ऑफ टॉर्क, बट अब ये गाड़ी स्टेज वन हो चुकी है जीटी ट्यूनर्स के OEM प्लस मैप पे। तो स्टेज वन के बाद ये गाड़ी निकालती है 135 bhp एंड 240 nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी पावर एडवांटेज वरना के पास ही है। वेट एडवांटेज हमारी पोलो के पास है, वेंटो। हमारी जो वेंटो है गाइस, अनलैडन RC पे जो मेंशन वेट है वो है 1175 kgs, अनलैडन वेट है गाइस, कर्व वेट नहीं है। वरना का हमारी 1213 kgs वेट है अनलैडन। बाकी ओनर्स का प्रस्पेक्टिव ले लेते हैं। गाड़ी ऑन करी नहीं है, बटन दबा रहे हो, क्या लग रहा है विवान भाई, अथर भाई? यार मेरे हिसाब से तुषार गोयल ने स्पॉन्सर किया है वीडियो, तो शायद तुषार गोयल ही जीतेगा इस वीडियो रेस को। फेक कर रहे हो मतलब, आप पैसे ले रहे हो? रियल वीडियो है, रियल वीडियो, फ्यूल स्पॉन्सर्ड बाय तुषार गोयल है। ओके, क्या स्पेक्स रखोगे पहले राउंड में? भाई नॉर्मल जो इसकी सेटिंग्स आती है वही रखेंगे। इसमें ट्रैक्शन ऑफ का बटन नहीं आता, मोटिविंग नहीं आता, सिर्फ गियर डालना है, सिर्फ गियर डालना है। चलो भाई करते हैं पहले राउंड स्टार्ट गाइस। तीन लोग बैठ जाए तो गाइस पहले राउंड के लिए अपने आ चुके हैं। अपना ट्रैक्शन फुली डिसेबल कर लेते हैं एंड AC भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ऑफ करके हमने कर दिया है। मोड स्पोर्ट्स मोड है, मैक्सिमम पोटेंशियल हमारी वरना का। फर्स्ट राउंड है ड्रैग का, ठीक है, मेरा ही मैक्सिमम, आपका ही मैक्सिमम। चलो भाई वो वाली गाड़ी दिखानी है, ठीक है, थोड़ा पैर एक हाँ, इसमें हीटेड भी है सीट है, हाँ गाइस फर्स्ट राउंड होने जा रहा है। शायद लॉन्च हो गया अर्ली, वो एक बार भाई से पूछ लूंगा, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद लॉन्च हमारे से वो हो गया अर्ली। जंप हुई थी क्या भाई? हल्की सी जंप हो रही है, तो बहुत ये बहुत खड़ी रह गई है वहीं पे, घूमती रह गई एक ही जगह पे। यहां से कर लेते हैं फिर एक बार दोबारा, AC चला ले ऊपर। तो गाइस भाई कह रहे हैं कि हमसे शायद पहला राउंड थोड़ा सा जंप हो गया था, कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि गाइस वो ये ना मैनुअल ट्रांसमिशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इस बार पूरा पर फेयर करके दिखाएंगे आपको भाई। 3-2-1 करवा दोगे आप? हाँ मैं कर देता हूँ। 3-2-1 कर दो ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। आप फेयर करेंगे प्रॉपर, ठीक है, मैक्सिमम ही है। आप फेयर करने की कोशिश करते हैं पूरी। पकड़ लेगी लेकिन ये गियर अटक गया, अब भाई से गियर अटक गया। तुमसे जंप हो गई? हाँ कोई नहीं, ऑन भी हो, चलो कर दोबारा करते हैं, यहीं से कर रहा। हाँ एकदम फेयर करा है, तो हमारी वरना ही बना रहती है, बट काफी अच्छा कंपटीशन दिया अपनी वेंटो ने, 110-120 तक हमारे साथ रही है, बट उसके बाद वही है गाइस, वो 3 सिलेंडर है 4 सिलेंडर है, तो मेड कहीं ना कहीं अपनी वरना का ही स्ट्रांग है। इस बार क्या था भाई? इस बार तो लॉन्च सही था, फेयर था ना, हाँ।
जीता कौन? 20 पे ये जा रही है आगे और फिर एक मतलब आधा एक गाड़ी आगे रह रही है। जीता कौन? यही जीती है। वरना अब क्या करना है? अब ऐसे ही फिर से करते हैं ग्राउंड ओवर। हां फेयर ही करूं मैं, मिनिमम नहीं करूं अभी। अभी नहीं, अभी मत कर। हां अभी नहीं, ठीक है अभी करते हैं वापस। चलो मैक्सिमम ही है। वो दिख रही है गाड़ी? 3-2-1 करा दूंगा मैं। रेडी 3-2-1 करा। थ्री टू वन बोला तो विमान को ऑन कर दूं। ठीक है सर, रेडी हो ना? इस बार दोनों परफेक्ट लॉन्च, दोनों परफेक्ट। अब मजा आ रहा है, अब वही देखो गाइस। अब 110 पे पूरी हमने आगे कर ली। इस बार दोनों गाड़ियां साथ चली है बट 110 तक टक्कर दी। 110 के बाद हमारी वरना का बुलेट आगे और अब काफी आगे हो गई है। बस ब्रेक ले रहे हैं अराउंड 165 पे, हमने ब्रेक ली है। क्लियर विनर हमारी वरना है ट्रैक की। अब रोलिंग कर लेते हैं या मिनिमम मैक्सिमम कर लेते हैं पूछते हैं। मिनिमम मैक्सिमम करना है, रोलिंग करनी है? कर ले कुछ भी कर लो, रोल कर लेते हैं। काम करते हैं रोल रेस सेकंड के ट्रैक हो गई ना। हां मिनिमम कर लेते हैं। चल मिनिमम कर ले फिर। तो ट्रैक्शन भी ऑन करूं? ट्रैक्शन ऑफ रख ले। ट्रैक्शन ऑफ, इको मोड, एसी ऑन। हां एक बार दिखा दो भैया। इको मोड कर लिया हमने एंड अपना एसी ऑन कर लिया है। ठीक है ट्रैक्शन ऑफ है, एसी एंड इको मोड है। ठीक है ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है आ रहे भाई। ऑन कर दूं? रेडी ऑन दे दूं? हां उधर दिखा दो भैया। रेडी हो ना? ऑलमोस्ट तो रिजल्ट सेम ही रहा है, अपनी वरना ही विनर है मिनिमम पोटेंशियल पे भी। बट हमारा हाँ ट्रैक्शन ऑफ था, ब्रेक लेते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम में भी हमारी वरना ही विनर रहती है गाइस। अब रोलिंग कर लेते हैं। एक मिनट रुक जा, ड्रैग का क्या रिजल्ट रहा? ड्रैग पे नहीं, 115 पे मोनोट आगे हो गया था मिनिमम पे भी। हम तो 120 पे होते हैं उस टाइम पे, तो मेरा डिजिटल है वो एरर एरर होगा। अब रोलिंग करना है? हां फर्स्ट गियर 20 सेकंड गियर 40 मैक्सिमम ही कर लूं? हां ठीक है भाई। फेयर ना मतलब? हां एक मिनट रुक जा। तो गाइस अपना ट्रैक्शन मैं दोबारा ऑफ कर लेते हैं। ऑफ ही था वो, मेरे को भूल गया था मैं। बस स्पोर्ट मोड डालना है। रोहित भाई इधर से लोरा भी लिया है। क्या दिखाना है ये? सेकंड गियर 40 मैक्सिमम पोटेंशियल। उधर दिखा देना यार। रोलिंग कर लेते हैं मिनिमम करके, मतलब मैं दोबारा से अपना एसी ऑन और इको मोड लगा लेता हूं। इससे जीत जाएगी, इससे हार जाएगी? हां स्लैब इससे जीत जाएगी, इससे हार जाएगी? जीत जाएगी। अरे ये पता है, मैं बताऊं 120 130 तक सारी टक्कर है, बट फिर वही है डिस्प्लेसमेंट का फर्क आता है। वही मैंने शुरू में बोल दिया था, मैं 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का मीडियम में फर्क आता है। वो ये है कि इसमें गैप बहुत कम बन रहा है, इतना गैप बन रहा है आधा एक गाड़ी का बन रहा है जितना कंसीडरिंग टू गाड़ी समझ गया था लोअर वन टच जो
वाटर स्टेज टू है ना वो भी ऐसी टक्कर देती थी, तो आप देखो अभी आप स्टेज वन पे हो और वो स्टेज टू पे थी, तो वही मैंने बोला था आपका प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं अच्छा है। अब मैं मिनिमम पे रोलिंग कर लेते हैं, सेकंड गियर 40, ट्रैक्शन ऑफ रहेगा, एसी ऑन है, इको मोड, ठीक है गाइस देख लीजिए, एसी ऑन है, इको मोड है, सेकंड गियर 40। लो भैया जी सारे राउंड आपने देख लिए होंगे, बाकी बार विवान भाई से पूछते हैं भाई आपका क्या क्या रहा आपका? मेरे को जो लगा था ना वही हुआ एक्सपेक्टेड, दोनों में पावर का डिफरेंस है बट का हल्का सा डिफरेंस है, बट टॉर्क जो है ना टॉर्क ने इनिशियल में जो रोल था वो प्ले किया, और इसका 1 लीटर का मैंने बताया ना फर्स्ट 2 गियर्स बहुत अग्रेसिव है और लॉन्ग भी है, जैसे इसका 100 का इसका कितना जाता है गियर, इसका कौन सा गियर, इसका सेकंड गियर कितना, सेकंड गियर 96 है, हाँ तो वही शॉर्ट गियरिंग है ना उसकी, तो हाँ। उसी वजह से इसको थोड़ा एडवांटेज मिला, हाँ। सेकंड गियर 96 है बट मैं इसको 85 पे कर देता हूँ, 85 या 80 पे, क्योंकि मैं इसको क्या कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट शिफ्टिंग कर देता हूँ इस गाड़ी में टर्बो रेंज के लिए, ठीक है भैया। और एक चीज ये है ना कि ये 1 लीटर है, देखो मिड में वही बात थी कि 3 सिलेंडर भी है ना यार, बट आपकी गाड़ी में वही मैंने बोला कि स्टेज 2 वर्टस की तरह परफॉर्म कर रही है, तो अब देख लो वेंटो स्टेज 1 है, प्लेटफॉर्म का काफी फर्क है, सुपीरियर भाई वेंटो ही लगती है मेरे को तो आज भी, काफी अच्छी गाड़ी थी। तो बाकी तो गाइस स्टेज 2 हो जाए तो जीत जाएगी उससे, क्योंकि पावर फिगर से हाँ ना वो, क्योंकि मेरे से स्टेज 2 वाली जो वर्टस थी वो एकदम यूं चली थी बराबर, तो वैसे ही हो रहा था ना वो थर्ड में, ये थर्ड में, और उसमें भी देखो उसमें भी फर्क क्या था ना, रोलिंग में बहुत टाई था बट ट्रैक में जीतती थी, रोलिंग में बताऊं क्या है वो 3 सिलेंडर का रहता है थोड़ा सा। तो बाकी तो गाइज यही कुछ थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।